सिविल लाइन थाना के टीआई को एएसआई के द्वारा गोली मारने के मामले में कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। गोली चलाने वाले एएसआई के खिलाफ कई जांचें चल रही हैं। पब्लिक से भी कई बार हो चुका है विवाद। विभागीय जांच चल रही है, इसीलिए नहीं हुआ था प्रमोशन। बावजूद ऐसे हिस्ट्रीशीटर पुलिस के एएसआई को थाने में पदस्थापना, फिर पिस्टल का अलाटमेंट सवालों के घेरे में है। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी अपडेट खबर। रीवा शहर के सिविल लाइन टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को उसी थाने में पदस्थ एएसआई बीआर सिंह ने सरकारी पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। इस घटना के बाद गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल पर टीआई का उपचार जारी है। बताया जाता है कि टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा के चेस्ट लंग्स में पिस्टल की बुलेट गोली धंस गई है, जो अभी भी फंसी हुई है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि भोपाल एवं जबलपुर से डॉक्टरों की अलग अलग टीम रीवा के लिए रवाना हो गई है, जो कि देर रात रीवा पहुंचकर गंभीर रूप से घायल टीआई को ऑपरेट कर चेस्ट लंग्स में फंसी हुई गोली को बाहर निकालेंगे। फिलहाल संजय गांधी अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर कड़ी मेहनत करके टीआई की स्थिति स्थिर बनाकर रखे हैं और उपचार दे रहे हैं। इस घटना के बाद मौके में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी घायल टीआई से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहीं गोली लगने के बाद से लगातार रीवा एसपी विवेक सिंह मौके में मौजूद हैं। दूसरी ओर एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव भी घटनास्थल एवं अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि बीआर सिंह पहले से विवादित व्यक्ति थे। इनकी पुलिस कार्यप्रणाली कभी भी ठीक नहीं रही। इनकी पोस्टिंग जहां भी रही वहां इनका विवादों से गहरा नाता रहा और एक नहीं कई विभागीय जांच लंबित हैं। बड़ा सवाल अपने आप में उठता है कि ऐसे लोगों को थाना में पदस्थापना किया जाना और बावजूद इन्हें सर्विस रिवाल्वर देना पुलिस अधिकारियों की बड़ी चूक का नतीजा कहा जा सकता है। पुलिस एएसआई पब्लिक के बीच में भी हमेशा विवादित बने रहे। दूसरी ओर विभागीय हिस्ट्री ठीक न होने के बाद भी सर्विस रिवाल्वर सौंपा गया था, जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना हो गई। पत्रकारों के जवाब में रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया है कि गोली लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। वहीं एसपी ने बताया कि टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा की हालत स्टेबल है। जबलपुर एवं भोपाल से डॉक्टरों की टीम उपचार करने पहुंच रही है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों के सवाल पर रीवा एसपी विवेक सिंह ने क्या जवाब दिया। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। जो घटनाक्रम है उसके आधार पर पुलिस में कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें एफआईआर होगी 307 के अंतर्गत, दो सारी चीज की जानी और बाकी जो कार्रवाई है सभी चीज की जानी। अभी प्रायोरिटी हमारा है कि टीआई सिविल लाइन जो अभी एडमिट है उनकी जान बचाने प्रायोरिटी है और जो बाकी कार्रवाई है वो सब उसके साथ चलती है। सर, ऐसा 5 घंटे लग गए आरोपी को अपने गिरफ्त में लेने में, क्या कुछ हुआ उस वक्त उस दौरान? पूरा एक पेक्यूलियर एक अलग तरीका का पूरा वो था, और क्योंकि जो आरोपी है सरस्वती बिहार से उनके पास पिस्टल भी थे उसके पास और वो सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा समझाइश उसके साथ ही किया गया और उसके उपरांत फिर कस्टडी में लिया गया। पिस्टल से गोली चलाई गई क्या? सरकारी पिस्टल। कितनी पिस्टल थी सर? वजह आप साइज पूछा जाएगा, पता किया जाएगा उसके आधार पर। सर, कितनी पिस्टल बरामद हुई है? अभी जो पता चला है कि कुछ ना कुछ विवाद हुआ है और जिसकी वजह से फिर ये घटना। सर, कितनी पिस्टल बरामद हुई है? क्या कहेंगे आप? 2 पिस्टल बरामद। सर, टीआई की स्थिति कैसी? टीआई की स्थिति अभी स्टेबल है। हम डॉक्टर की टीम का वेट कर रहे हैं। एक टीम जबलपुर से आ रही है, ऑन द वे है, और एक टीम भोपाल से जबलपुर लैंड कर गई है, वो भी जबलपुर से स्टार्ट। सर, 4 दिन नहीं बीतता है रीवा में गोलीकांड होता रहता है, ये एक अलग तरह का घटनाक्रम है और इसमें उसी प्रकार से इसमें जिस तरह अपराधियों जहां पुलिस ही पुलिस के ऊपर गोली चला रही है, ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़ेगी? मतलब जनता पुलिस अपना काम करेगी, इसको आप क्या कैसे? पुलिस अपना काम करेगी, कोई भी अपराधी हो पुलिस अपना काम। सर, ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। 30% क्या वो मानसिक विकलांगता का कोई प्रमाण पत्र है उनके पास? और उनको जो है उनके जूनियर के अंडर पे पदस्थ करना, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही। ऐसा कोई हमें संज्ञान नहीं आया कि मानसिक विकलांगता या ऐसी कोई चीज़ आप जो बता रहे,
और बाकी चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन का जिस तरह अपराधियों का व्यवहार किया जाता है इस तरह का इनके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता क्यों? देखिए समय समय और जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके आधार पर सारी कार्रवाइयाँ होती हैं और जो आरोपी है कानून के नज़र में वो आरोपी है उसको इस हिसाब से कार्रवाई की रिमांड कब लिया जाएगा? मिले क्या कुछ कानून है SI से आप मिले हैं अभी क्या क्या कुछ कानून है? अभी प्राथमिक उसमें कथन बातचीत किया है और बाकी चीजें जो है विवेचना का पार्टी से बहुत नशे की हालत में है क्या आरोपी सर? डॉक्टर आ रहे हैं उनका एक टीम यहाँ पर जो है वहाँ से रवाना किया गया जबलपुर से एक टीम आ रही है और एक भोपाल से टीम जबलपुर में लैंड कर गई है वो भी बाई रोड जबलपुर। अभी कैसे स्थिति है TI साहब की? अभी स्टेबल है और डॉक्टर्स यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत। बुलडोजर चलेगा मामा का? नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।